Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and this is a session of definite integral. We are discussing definite integral for past few days, and today we are going to discuss about the greatest integer function, integration of greatest integer function in definite integral. And this is video lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching this part 8. So let us discuss this question, a few questions, and what the idea in which we can integrate the greatest integer function. So first of all, I'm going to write here a question, that is 1 to 2 greatest integer function 2x minus 1 dx. ये सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ से हमने लिया है एग्जांपल के तौर पे, और आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, या पहले इससे भी आसान एक क्वेश्चन लेते हैं. चलिए इससे भी आसान एक क्वेश्चन लेते हैं, और हमने इंटीग्रेशन दे दिया 1 to 5. क्वेश्चन ये हो गए कि 1 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स. चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएंगे. क्या है कि इसमें एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये लिमिट एक्स है, ये सब लिमिट जो होती है वो किसकी होती है, एक्स की. तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी. अंदर 1 का ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, 1, और 5 रखेंगे तो 5, तो मिनिमम वैल्यू होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 5. अब आप इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है. यानी इस लिमिट को हमें ब्रेक करना चाहिए किस पे, किस पे, कि एक्स 1 कब आएगा, 1 पे, 2 कब आएगा, 2 पे. तो इसको आप लिख सकते थे 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स, प्लस 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स, प्लस 3 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स, प्लस 4 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डी एक्स. ऐसा ब्रेक करना चाहिए. क्यों ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. तो इसलिए यहाँ 1 से 2 में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1. 2 से 3 के बीच में जब एक्स लाई करेगा तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. और 3 से 4 के बीच में हो तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 3. और 4 से 5 के बीच में हो तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डी एक्स. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक. ये 2 बाहर आ गया, और फिर इंटीग्रल डीएक्स क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक. इसी तरह से 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल डीएक्स एक्स 3 से 4 तक. और ये इंटीग्रल बाहर आ गया 4, और कहाँ से कहाँ तक, 4 से 5 तक. तो ये आ गया आपका पूरा जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा आ गया. यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 into 2 minus 1 प्लस 2 into 3 minus 2 प्लस 3 into 4 minus 3 प्लस 4 into 5 minus 4. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक में एक का डिफरेंस है. यहाँ से मिल गया 1 plus 2 plus 3 plus 4, इसका मतलब 4 3 7 2 9 1 10, और ये हो गया आंसर. तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं. अब इसी को शॉर्टकट में करना हो, ये कंसेप्ट हुआ, तो क्या करेंगे कि ये लिमिट को ब्रेक कर देंगे, और ये जो है अपर लिमिट कभी आता नहीं, ये लिमिट को ब्रेक करेंगे. ये वैल्यू है, वैल्यू है, और लिमिट अगर ब्रेक करोगे तो वो भी यही होगा, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है लिमिट की ब्रेकिंग पॉइंट. ये वैल्यू को हमने डिफाइन किया, इंटीग्रल वैल्यू है, और लिमिट के लिए करेंगे तो वो भी यही होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, पे ब्रेक करना है. तो 1 2 3 4 पे ब्रेक करना है इन बिटवीन, ठीक है. सो 2 3 4 5 ये है वैल्यू, और ये है लिमिट. तो आपको लिख देना है वैल्यू 1 into 2 minus 1 प्लस 2 into 3 minus 2 प्लस 3 into 4 minus 5 प्लस 4 into 5 minus 4. ये आपको लिखना है, और इससे आपका आंसर आ जाएगा. कैसे आएगा, चूंकि यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम दिख रही है इसलिए आपको फर्क नहीं चल रहा है. तो आपको सब में एक एक का ही डिफरेंस है, तो आंसर निकालने का तरीका क्या होगा कि 4 plus 3 plus 2 plus 1 इंटू डिफरेंस 4 3 7 2 9 1 10, और डिफरेंस कितने का है, 1 10 into 1 क्या हो गया, 10.
कैसे, ये अभी थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं समझ में आया हो, ये तो समझ में आ गया ना। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, आपको वो भी समझ में आएगा कि हमने लिमिट ब्रेक क्यों किया और कहाँ पे किया। जैसे पिछला क्वेश्चन जिसकी हमने चर्चा की थी शुरुआत में और उसको रोक दिया था, उस क्वेश्चन को लेते हैं। ये है 1 से 2, 2x-1 dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख रहे हैं तो वैल्यू क्या क्या आ रही है बताइए। एक्स 1 रखोगे तो 2 × 1, 2 − 1, 1, मिनिमम वैल्यू आएगी 1, और मैक्सिमम वैल्यू ये है मिनिमम वैल्यू, और ये है 2 × 2 = 4 − 1, 5, 4 − 1, 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल होगी 2, 1 और 3 के बीच में एक ही इंटीजर मिलेगा 2। अब लिमिट को ब्रेक करना है तो लिमिट 2 कब आएगा, ये अंदर वाली चीज 2 कब आएगा, तो 2x-1 जो होगा वो 2 कब आएगा, जब 2x = क्या होगा 3, और x = क्या होगा 3/2। यानी लिमिट जो हमारा था ये है वैल्यू, ये है वैल्यू और ये है लिमिट। लिमिट ब्रेक कर रहे हैं किसे, किसी बीच में 1 से 2 के बीच में, किस पे ब्रेक करेंगे 3/2 पे। अब क्या आएगा पहले ये देखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे ट्रिक कैसे काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया 1 से 3/2, 2x-1 dx प्लस 3/2 से 2, 2x-1 dx। ठीक है, क्या आएगा ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू 1 से 1 होगा तो ये हो जाएगा 1, और अगर 3/2 होगा तो ये हो जाएगा 2 पूरा। इसका मतलब है कि 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है ये फंक्शन, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 1। इसलिए 1 से 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये कोई हो गई 1, 1 आ गया, फंक्शन खत्म dx। प्लस यहाँ से उसी तरह से 3/2 रखेंगे तो 2, और 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो 2 से 3 के बीच में जा रहा है इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू की मिल जाएगी 2 dx। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा x कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3/2 तक, और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक 3/2 से 2 तक। इसका मतलब क्या आया कि आंसर आपका आ गया कुछ इस तरह का, आंसर आ गया आपका 3/2 − 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 − 3/2, सो ये आ गया 1/2 प्लस 2 × कितना 1/2 अगेन, सो दैट इज 3/2, 3/2 आंसर, 2/2 1, 1 प्लस हाफ इज 3/2 आंसर। अब इसी बात को हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस लिमिट की कितनी हो गई, हाफ हो गई ये, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखना है यहाँ से कि ये जो वैल्यू होगी वो होगी 1, मिनिमम वैल्यू होगी 1, मैक्सिमम वैल्यू को खाली रिजेक्ट कर देना है आपको। ये वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और ये वैल्यू हो गई 2, 1 × इन दोनों का डिफरेंस प्लस 2 × इन दोनों का डिफरेंस, ये आंसर आएगा हमेशा। आप जब भी आंसर शॉर्टकट से लिखेंगे तो ये आएगा डिफरेंस, सीधे सीधे लिखिए 1 × ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू, 1 × क्या होगा आंसर विल बी 1 × इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ लिमिट दैट इज 3/2 − 1 प्लस 2 × क्या 2 माइनस डिफरेंस ऑफ लिमिट कोरिस्पोंडिंग लिमिट 3/2, तो यही आ गया 1 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 अर्थात 3 × 1/2 मतलब 3/2। तो अब डायरेक्ट इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो मिनिमम वैल्यू को प्लस कर दो, अगर डिफरेंस ऑफ लिमिट सेम है तो मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे प्लस, ये मैक्सिमम वैल्यू को सिर्फ छोड़ देंगे 2 + 1 = 3, और डिफरेंस कितने कितने का है हाफ का, तो 3 × ½ दैट इज 3/2। ओरली कैन बी आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, ये है 1 से 3 तक, और सेम क्वेश्चन ले लिया 2x-1 dx, चाहे 2 से ले लेता हूँ, 2 से 2 = 4 − 1 = 3 एंड 3 = 6 − 1 = 5, सो 3 से 5 के बीच में थोड़ा और लंबा इंटरवल आप चाहे तो ले लीजिए, क्या क्या ले लूँ 2 से लेके 4 तक, क्या करोगे। अब यहाँ 2 = 4 − 1 = 3 वैल्यू क्या है कि बताइए, पहले आंसर निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से अपने, उसके बाद हम निकालेंगे कि कैसे आया। देखो 2 × 4 − 1 = 3,
मिनिमम वैल्यू 3 हुआ एंड 4 2 z -1 9 हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 9, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आएगा, तो इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू आएगा 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, है ना, इसको रिजेक्ट कर देना। और इसका डिफरेंस कितना हो गया, हाफ, लिमिट का डिफरेंस होगी जस्ट हाफ। कैसे, 2x-1 हमें निकालना है कि 4 कब होगा, आप लिमिट चाहो तो ब्रेक करोगे तो 2x-1 4 कब होगा, आप यहाँ से देख लीजिए 2x-1 4 कब होगा, तो 2x = 5 होगा और x = 5/2 होगा। तो मिनिमम लिमिट की वैल्यू 2 है और उसके बाद किस पे ब्रेक कर रहे हैं हम, 5/2 पे, 2 और 9 के बीच में हमें ब्रेक करना है, कहाँ 2 और 4 के बीच में कहाँ कहाँ ब्रेक करना है, पहला 5/2 पे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, हाफ हुआ, हाफ ही होगा हमेशा। तो आपका आंसर कितना आ गया, अगर हम शॉर्टकट से लिखें तो आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू को रिजेक्ट करना है ना, और बाकी इनको लेना है 8 + 7 = 15 + 6 = 21 + 5 = 26 + 4 = 30 + 3 = 33 और डिफरेंस है हाफ, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 33 × ½ यानी 33/2 इसका आंसर हुआ। सीधे लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू को रिजेक्ट करो, इनकी वैल्यू को सारा प्लस करो और जो डिफरेंस ऑफ लिमिट्स है उससे मल्टीप्लाई करो, प्रोवाइडेड डिफरेंस ऑफ लिमिट जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए हर एक टर्म के लिए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 33/2। अगर इक्वल ना हो तब कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं है, ये लिखेंगे 3 × (DL) + 4 × (DL) + 5 × (DL) लाइक दैट, यू कैन डू दैट। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ, पूरा डिटेल सॉल्यूशन करूँ तो क्या आएगा, 33/2 आया हमारा आंसर 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में लिमिट क्या क्या ब्रेक करेंगे बताइए। ये तो एक आ गया कि 4 कब आएगा, इसी तरह से 2x-1 5 कब आएगा, जब x क्या आ जाएगा 3, तो ये लिमिट ब्रेक करेंगे 2/5 फिर 3 पे फिर 7/2 पे, ये ब्रेक होगा लिमिट, 4 जगह ब्रेक होगा, 3 जगह बीच में इन बिटवीन, 2 से 5/2, 5/2 से 3, 3 से 7/2 और 7/2 से 4। तो इंटीग्रेशन हो गया कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए, ये है 2 से 4 2x-1 dx। मैं इसको सॉल्व करूं तो ये लिख सकता हूं कि क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं, ब्रेक करो तो 2 से 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x-1 dx प्लस 2 से 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस प्लस 5/2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x-1 dx प्लस 3 से 7/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x-1 dx प्लस 3 7/2 से 4 2x-1 dx। अब देखिए कि यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 × 4 -1 3 और 5/2 रखोगे तो आएगा 4। तो 3 से 4 के बीच में अगर ये फंक्शन वेरी कर रहा है तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 2 से 5/2 तक 3 dx प्लस यहाँ पे 5/2 से 3, 5/2 रखेंगे तो ये 3 से 4 के बीच में वैल्यू वेरी करेगा तो 4 आएगा, यहाँ से 3 से 7/2 यहाँ पे 5 आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि 3 × 2 = 6 -1 5 ही आएगा, 5 से 6 के बीच में जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा। यहाँ पे 7/2 से 4 यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया 3x 2 से 5/2 तक, यहाँ पे हो गया 4x, तो 4x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 5/2 से 3 तक, यहाँ पे हो गया 5x, तो 5 को बाहर ले लिया, x की वैल्यू 3 से 7/2 तक, यहाँ पे 6 को बाहर ले लिया और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 7/2 से 4 तक। अब क्या आएगा देखिए जरा, ये आ गया 3 × 5/2 - 2 5/2 - 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 × 3 - 5/2 प्लस 5 × 7/2 - 3 प्लस 6 × 4 - 7/2, तो ये क्या आ गया
थ्री प्लस फोर, थ्री इंटू हाफ, थ्री इंटू हाफ प्लस फोर इंटू हाफ प्लस फाइव इंटू हाफ प्लस सिक्स इंटू हाफ, ये आ गया, हाफ आते रहे और ये सबको आप प्लस कर देंगे तो 6 5 11, 4 15, 3 18 बाई 2 9 आंसर हो जाएगा। एक मिनट चेक करते हैं, तो ये कितना हो गया, देखिए सब में से हाफ अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 इंटू हाफ दैट इज 9, 9 स्क्वायर यूनिट। पहले क्या आया था हमारा देखें, और क्या गलती थी वो भी देखते हैं। पहले वाला गलत आया है, क्यों गलत आया है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 2 जा 4 1 5, 4 माइनस 1 गया 3, मिनिमम तो 3 सही है, मैक्सिमम होगी 4 2 जा 8, -1 7 होगी, ना कि 9, तो इसलिए ये 9 ना होकर के क्या होना चाहिए, 7 तक, ठीक है ना, ये वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 7 तक, और ये मैक्सिमम हो गया 7, तो मैक्सिमम को रिजेक्ट करना है, तो आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15, 3 18, और डिफरेंस है हाफ, तो 18 इंटू हाफ इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। तो आपको ये थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी कि जैसा यहाँ पे अभी किया कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी, और आप उसके बीच में ये आंसर निकाल सकते हैं ओरली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू को सिर्फ रिजेक्ट करना है, इनका डिफरेंस देखना है, अगर डिफरेंस सेम है तो उस डिफरेंस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस प्लस 5 इंटू दिस माइनस दिस प्लस 6 इंटू 4 माइनस दिस, तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल, ये है इंटीग्रेशन 1 to 1.5 या 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। इस क्वेश्चन में आप एक्स जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, देखिए जीरो का स्क्वायर जीरो, और 1.5 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.25, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। अब इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आएगा, तो 0 से 2.25 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू एक आएगा 1 और दूसरा आएगा 2, दो आएगा इंटीग्रल वैल्यू, मैक्सिमम को हमें रिजेक्ट करना है, अब लिमिट को पता करना है, तो लिमिट क्या होगा, एक्स वन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर वन कब होगा, जब एक्स वन होगा, यानी लिमिट जो होगा वो होगा 0 और 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर टू कब होगा, जब एक्स क्या होगा, रूट टू, यानी रूट टू पे ब्रेक करना होगा, और आखिरी लिमिट क्या है, 1.5। अब आप आंसर लिखना चाहते हैं ट्रिक से तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर, आंसर लिखना चाहेंगे तो 0 इंटू ये 0 इंटू दिस माइनस दिस 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू इन दोनों का डिफरेंस, रूट टू माइनस 1, 0 का किया तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, ध्यान से देखें इन दोनों का डिफरेंस, जब 1 का लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस, जब 2 का लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस, और इसको तो लेना ही नहीं होता, तो 2 इंटू क्या होगा, 1.5 माइनस रूट टू, तो ये हो गया 0 प्लस रूट टू माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट टू, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, और ये रूट टू माइनस 2 रूट टू, रूट टू, तो 2 माइनस रूट टू आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसको डिटेल सॉल्व करके देखते हैं, ये जवानी आप कर सकते हैं, ट्रिक ऐसा है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में अगर करना हो तो ट्रिक नहीं चलेगा, आपको ऐसे लिखना होगा, लिमिट को ब्रेक करना होगा। तो ये लिख देंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है आई इज इक्वल टू 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से √2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस √2 से 1.5 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 0, तो 0 हो गया बाहर इंटीग्रेशन। यहाँ पे 1 से √2 के बीच में अगर x की वैल्यू लाई कर रही है तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, x स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 dx। यहाँ पे √2 से 2.25 के बीच में 1.5
फाइव के बीच में अगर एक्स वेरी कर रहा है तो एक्स स्क्वायर टू से 2.25 के बीच में होगा, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 2.5 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ 2 आएगा। अब यह हो गया 1 का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, 1 से रूट 2 तक, प्लस यहाँ 2x, तो ये कहाँ से कहाँ तक, रूट 2 से 1.5 तक। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1.5 माइनस रूट 2। देखिए सेम चीज आ गया, क्या सेम चीज आ गया ना, सो व्हाट इज दैट, रूट 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2, और ये हो गया 3 माइनस 1 2 माइनस रूट 2 आंसर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं। 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लो। तो ये जी 0 रखेंगे या प्लस 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, 1, 0 का स्क्वायर रूट यानी 0 प्लस 1 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1, मैक्सिमम वैल्यू जब 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 यानी 3 आएगा। मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 3, ये आ गया 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, ठीक है। बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, 2, 2 कब आएगा, तो रूट एक्स माई प्लस 1 2 कब आएगा, तो ये देखिए रूट एक्स क्या हो जाएगा 1, एक्स क्या हो जाएगा 1, यानी लिमिट जो है उसको आपको ब्रेक करना होगा। तो लिमिट जो आपका 0 से 4 तक था उसको आप किस पे ब्रेक करेंगे, 1 पे, सिर्फ 1 पे ब्रेक होगा और कहीं ब्रेक नहीं होगा। अब आंसर अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 1 इंटू, जैसा कि पहले किया था, 1 इंटू डिफरेंस ऑफ दिस टू, 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू, 2 इंटू किसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, 2 इंटू 4 माइनस 1, यानी ये हो गया 1 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, ये आंसर आना, ठीक है। अब इसको कंसेप्ट से करते हैं, ये तो हमारा ट्रिक हो गया, कंसेप्ट से करते हैं इसको। आई इज इक्वल टू, ब्रेक कर दिया 0 से 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 1 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx। तो देखिए 0 से 1 के बीच में जाएगा ये, तो क्या होगा, x 0 से 1 के बीच में होगा तो ये आएगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और 0 से 1 प्लस 1 यानी 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, ये 1 dx, प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 से लेकर के 3 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2 dx, यानी ये हो गया फंक्शन कोई भी हो, ये हो गया x 0 से 1 तक प्लस 2x 1 से 4 तक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 एंड 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 6, यानी क्या आ गया 7 आंसर। तो ये दोनों ही आंसर एक जैसे हैं और दोनों ही आंसर सेम है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका लगा सकते हो और बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है ये 0 to ∞ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2e-x dx, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसलिए हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो देखिए वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, अगर 0 रखेंगे तो e-0 1 यानी 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2, और मिनिमम वैल्यू e-∞ क्या होता है 0, तो 0 मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 2, मैक्सिमम वैल्यू 2, बीच में एक वैल्यू क्या आएगा 1, 1 कब आएगा, तो लिमिट ब्रेक करते हैं 2e-x = 1, यानी 2 = e-x, e-x इधर आके e-x हो गया, यानी x क्या हो गया log ऑफ 2 टू द बेस e, log ऑफ 2 टू द बेस e, यानी लिमिट को हमें ब्रेक करना है किस पे, तो लिमिट को ब्रेक करना है जो 0 से इन्फिनिटी था, 0 से इन्फिनिटी, तो इसको हमें ब्रेक करना है किस पे, log 2 पे, ठीक है। तो अब करते हैं इसको इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू क्या होगा, तो i इज इक्वल टू 0 टू log 2, ब्रेक कर दिया 2e-x dx प्लस
लॉग टू टू इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ तक, टू ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये दो बातें हो गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। तो देखिए एक्स जीरो रख रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है, टू, और लॉग टू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, लॉग टू रखेंगे ई टू दी पावर एक्स के बदले लॉग टू, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू टू 1, यानी लॉ जीरो से 1 के बीच में जीरो रख रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है 2, और 1 रख रहे हैं तो लॉग 2 रख रहे हैं तो वैल्यू मिल रहा है 1, यानी वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में है, तो ग्रेटर देन वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। इसलिए यहाँ से मिल जाएगा 0 टू लॉग 2, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो 0 मिलेगा और लॉग 2 रखोगे तो 1 मिलेगा, यानी 0 से 1 के बीच में है, तो इसलिए इसमें ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 डी एक्स। ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ पे इंटीग्रल एक्स कहाँ से कहाँ तक, 1 का इंटीग्रेशन एक्स 0 से लॉग 2 तक, यानी लॉग 2 माइनस 0 लॉग 2 आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ इस तरह का, 0 to π ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर दिया। अब यहाँ 0 रखेंगे तो भी 0 हो रहा है, और पाई रखेंगे तब भी 0 हो रहा है, क्या 0 से 0 ही होगा, नहीं, इसके बीच में मैक्सिमम, इसके बीच में अगर हम π/2 यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब है π/2 रखेंगे तो sin π/2 1, 1 इंटू 2 2, तो इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम 2 होगी, बीच में एक इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो अब 0 कब होगा, 1 कब होगा और 2 कब होगा, ये सब हम देखते हैं इनके बीच में क्या क्या वैल्यू आएगी। तो 0 तो आपको पता चल गया, 0 और पाई पे भी होगा, 1 और 2 कब कब होगा, तो ये देखते हैं लिमिट ब्रेक करने के लिए। सबसे पहले हम कि 2 sin x जो है 1 कब होगा, sin x ½ कब होगा, यानी x होगा जब π/6 हो और 5π/6 हो, 0 से पाई के बीच में दो वैल्यू मिलेगी। फिर 2 sin x 1 कब होगा, 2 sin x 2 कब होगा, तो 2 कब होगा जब sin x 1 होगा, sin x 1 कब होगा जब x क्या होगा, π/2, यानी लिमिट जो हमें ब्रेक करनी है, जो हमारा लिमिट 0 से पाई था उसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है π/6, दूसरा आ रहा है π/2, तीसरा आ रहा है 5π/6, तो ये इतनी जगह पे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो आप इसको उस ट्रिक से भी लिख सकते हैं आंसर, बट यहाँ पे लिखते हैं कैसे आंसर लिखना है, ध्यान से देखिए, 0 to π/6 2 sin x dx, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, π/6 से π/2 2 sin x dx, 2 sin x dx, प्लस फिर π/2 टू क्या होगा, फिर लिखेंगे हम π/2 से लेकर के कहाँ तक, 5π/6 तक, ये हो गया 2 sin x dx, और फिर 5π/6 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, कितना, 2 sin x dx। अब इनके बीच में, इस इंटरवल के बीच में क्या क्या वैल्यू हमें मिल रही है, जरा वो देखें। तो ये देखिए, जब x 0 रखेंगे तो 0 होगा, और π/6 रखेंगे तो 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा, यानी 0 से 1 के बीच में वैल्यू कर रहा है वेरी, तो इसमें ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू समथिंग है 0। यहाँ पे π/6 रखेंगे तो 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है, इसलिए ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, π/2 1 डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पे π/2 रखेंगे तो 2, और 5π/6 रखेंगे तो 1, 2 से 1 के बीच में फिर वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 1, यानी π/2 से 5π/6 के बीच में भी 1 डी एक्स। अब यहाँ पे 5π/6 रखेंगे और पाई रखेंगे तो ये होगा 1 से 0 के बीच में, यानी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, फिर से 0। तो यहाँ पे मिल गया आपको एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो 5π/6 से π/2 तक, प्लस यहाँ से भी मिलेगा एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो π/2 से 5π/6 तक। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π/6, π/2 माइनस π/6, π/2 माइनस π/6,
दैट इज पाई बाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 5π/6 से लेकर के -π/2 तक, ये माइनस प्लस कैंसिल, 5π/6 -π/6 4π/6 दैट इज 2π/3, ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2π/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिमिट को ब्रेक करके और उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दो काम करना है, एक लिमिट को ब्रेक करना है और दूसरा क्या करना है, जो लिमिट को ब्रेक करेंगे वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। जब आप इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो मिल जाएगी वो रख देंगे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो इंटीग्रल आएगी, एक्स से कुछ लेना देना नहीं रहेगा और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरीके से यस क्वेश्चन आपको तरह तरह के हमने बता दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल बता दिया, अलजेब्रिक में भी बता दिया और सब तरह एक्सपोनेंशियल में बता दिया। तो इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हैंडल करना है ये आप समझ गए, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ राइट टू अस, हम लोग तो बैठे ही हैं आपको बताने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस।